एंड मेहंदी वाला घर भी अलग ही नाम है इस घर का. कुछ बताना चाहूँगा अपने कैरेक्टर्स के बारे में, शो के टाइटल के बारे में. हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रुति आनंद है और मैं मेहंदी वाले घर में मौली का किरदार निभा रही हूँ. मौली एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, पॉजिटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है, उसके लिए फैमिली हमेशा कम्स फर्स्ट. और मेहंदी वाला घर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक मतलब एक जॉइंट फैमिली की कहानी है. कैसे उतार चढ़ाव आती है, कैसे हम सब मिलकर चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक फैमिली में मिलकर रहे. और मौली का जो किरदार है, जैसा नाम ही उसका मौली है, जिसका मतलब होता है जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, तो वो परिवार को एकजुट करके रखना चाहती है. और किरदार मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज की लड़की तो है लेकिन इसकी जो सोच है, माइंडसेट है, वो बहुत अच्छी है. मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मानना है कि परिवार एक स्ट्रेंथ होती है और वो फैमिली को लेकर उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को सबको इग्नोर करके दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढने वालों में से है. हाय, मेरा नाम शहजाद शेख है और मैं राहुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. राहुल एक NRI है जो लंदन से बहुत सालों बाद, 20-25 साल बाद आया है. वो पहली बार एक जॉइंट फैमिली के एनवायरनमेंट में रहने वाला है. और मेरे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जाएगा, जब कोई इंसान या कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी फैमिली मेम्बर जो बाहर या एक इंटरनेशनल कंट्री में बहुत टाइम तक रहते हैं, जब वो वापस इंडिया आते हैं और अपने जॉइंट फैमिली के सिचुएशन में रहते हैं, तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इंटरेक्शंस होते हैं. और इट्स अ फन लविंग लाइट कैरेक्टर एंड अ गुड हैप्पी गो लकी गाय. जिस तरह हमने देखा इंट्रो में, सबसे आखिर में एंट्री आपकी हुई जो राहुल के किरदार की, शो में कब एंट्री होने वाली, बीच में एंट्री होगी क्या, आखिर में ही एंट्री होगी, ऐसा ही कुछ है जैसा आपने बोला. शायद सही, आपको शायद किसी ने बता दिया. नहीं, मुझे बताया इंट्रो देख के और ये अनुमान लगाया. तो ये बहुत स्पेशल है हम सब के लिए, तो हमने इनको छिपा के रखा और आखिरी में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि धमाका आखिरी में देखने को मिलेगा. हाउ नाइस ऑफ यू, थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है कि ये शो देखने के बाद हम लोगों के भी मन में रहता है कि you know, जिसके भी फैमिली में प्रॉब्लम हो कि एक साथ रहें, कुछ होना मन में रहता है, बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल कैसी लाइफ हो गई है ना, अपने आप से मतलब रखना है, खुद का काम करना है ज़्यादा. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा शो देख के कोई भी एक जन, ऐसा पहले भी हमारे डायरेक्टर सर ने भी कहा था कि कोई भी एक जन हिंदुस्तान का फ़ोन उठा के घर पर फ़ोन करता है कि चाचा, ताई जी, ताऊ जी याद आ रही थी, या फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यू नो, फॉर एग्जांपल, तो हमें लगेगा कि वी आर समवेयर नियर टू सक्सेस. बिल्कुल, एज अ शो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों के जो फैमिली सेंसिटिविटीज़ हैं और जो वो सेंसिबल्स हैं, जो मेमोरीज हैं, उसी सारी चीज़ों को अलाइव रखें. एक आखिरी सवाल, राहुल का किरदार और NRI का किरदार हम जब भी याद करते हैं, जब भी जिक्र होता है ये दो वर्ड का, शाहरुख सर का नाम हमेशा आता है. आपका कुछ अगर बताना चाहूँ, कितना मैच होता है कभी खुशी कभी गम वाले? आई थिंक कहीं ना कहीं बेस लाइन के ऊपर आई थिंक द फाउंडेशंस ऑफ द कैरेक्टर आर वेरी सिमिलर. नाम भी राहुल ही दिया है, तो आई थिंक इट्स ओनली एन ऑनर, बट शाहरुख सर इज किंग, वी कैन ओनली डू सो मच, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और होपफुली ऑडियंस को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए. 23 से शुरुआत हो गई जी, 22 को बहुत बड़ा दिन है, उसके बाद 23 से एक शुभ दिन में राम जी का जिक्र ट्रेलर में भी देखा हमने. अगर कुछ बताना चाहोगे, शुभ दिन पे शुरुआत होगी आप लोग की सीरियल की, अगर कुछ बताना. ऑल योर्स. दो दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बहुत स्पेशल है. मतलब पहले तो 22 तारीख बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, और उसके बाद हमारे शो की शुरुआत भी राम जी की मूर्ति से होती है, तो टच वुड बहुत स्पेशल है और हमें बहुत होप है इस शो से और बहुत अच्छा होने वाला है. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू. जिस तरह हमने देखा परिवार बहुत कुछ होता है, लोग जो होती है, शरारतें होती है, आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस परिवार के बारे में, क्या स्पेशल आप ऑडियंस को देख पाएंगे? ऑडियंस को स्पेशल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑडियंस को लगेगा ही नहीं कि हम शो देख रहे हैं, क्योंकि इस शो में हम वही दिखा रहे हैं जो परिवारों में होता है, वही बातें, वही रिश्ते, वही सिचुएशंस, उसी तरह की चीज़ें हैं. तो जो राइटर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर चैनल ने जो इकट्ठा किया है, इसकी यूनिकनेस ही वही है कि लगेगा नहीं कि हम कोई शो देख रहे हैं. जिस तरह से इस परिवार में घटनाएं घट रही हैं वो घर घर में होती हैं, जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ हो रहे हैं वो घर घर में होते हैं, जिस तरह से यहाँ वार्तालाप है वो बिल्कुल, पहनावा जो है, जो जिस तरह का आपको लगे
लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर्स तो हमने देखे हुए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं इस परिवार में और हमें बहुत खुशी है कि हिस्सा बने हैं इस परिवार का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर निभा रहे हैं और बहुत ही सीनियर एक्टर पेंटल जी के साथ ये मेरे पति का रोल कर रहे हैं और उसके अलावा बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, उनकी कास्ट है। तो बस इस तरह से है सफ़र शुरू। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मुझे क्या अच्छी लगी कि सब्जेक्ट का जो मूल बेस है वो बहुत अच्छा है, बड़ा सॉलिड है, और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर साहब इसे बड़ा रियलिस्टिकली अप्रोच कर रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि हम शूटिंग कर रहे हैं, ये लगता है कि किसी ने एक हंसते खेलते परिवार के अंदर कैमरा ले जाके चोरी से सब सिचुएशंस पिक्चराइज कर रहा है। वो जो अपनापन है, वो जो रियलिज्म की अप्रोच है घर की प्रॉब्लम्स, परिवार की प्रॉब्लम्स को डील करने की, वो बड़ी मज़ेदार हैं। और आपको क्योंकि अच्छे एक्टर हैं इस शो में, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको कहीं ना कहीं वो आपके अपने से रिलेट करता मिलेगा, क्योंकि रियलिस्टिक है, सिचुएशन ऐसी हैं, ट्रीटमेंट ऐसी है, और फिर ऊपर से हमें चैनल भी बहुत अच्छा मिला है, सोनी चैनल, जो इसे इतना अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये शो बहुत पसंद आएगा, और ये शो सोनी पे रात को 9:30 मंडे टू फ्राइडे आ रहा है रामायण के बाद। जी सर, इसके अलावा जिस तरह 23 तारीख की बात करें, 23 तारीख तो स्पेशल हो गई, 22 तारीख को और भी स्पेशल, और इसमें शो में भी हमने ऐसा राम जी से ही शुरुआत हुई, आप अगर कुछ बताना चाहोगे 22 तारीख और 23 तारीख के बारे में। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और सदियों से इंतज़ार था इस दिन का, और वो जो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि अब राम जी का जो आशीर्वाद है वो हमारे पूरे देश में रहे और राम जी का आशीर्वाद हमारे शो पर रहे, और हमारा शो भी उसके अगले दिन ही शुरू होने जा रहा है, तो बहुत ही खुशी है। तो हम इसको बोलेंगे कि डबल सेलिब्रेशन है, ये डबल सेलिब्रेशन। हाँ, नहीं मैं किस बारे में, 22 तारीख ऑफ कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो रही है, तो वाकई हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है, और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे नेताओं का जिन्होंने ये पॉसिबल किया, और दुनिया भर में राम जी का नाम हो, सुख समृद्धि हो, सब खुशहाल हो, ये देश बहुत ऊपर आए जिस तरह आना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ राम जी की कृपा हमारे इस छोटे से झोंपड़े में रहे, क्योंकि हमारा शो इससे शुरू हो रहा है, मेरी झोंपड़ी में भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे भाग जाग जाएंगे, तो बस उनके आशीर्वाद से हम ये 23 तारीख को शो शुरू कर रहे हैं, बाकी सब पे आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके इस प्यारे से शो के लिए। जय श्री राम, थैंक यू, जय श्री राम।